हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन यानी कि करंट अफेयर्स, और आज के हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहला है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन, सेकंड है नाथुलाव, थर्ड है लीलो दैट इज लाइन इन लाइन आउट सबस्टेशन, और फोर्थ है हमारा जिज्ञासा प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन। सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन has entered into force, making a significant development in international commercial dispute resolution. तो हाल ही में सिंगापुर कन्वेंशन एक हुआ था मध्यस्थता के लिए, जिसमें किसी तरीके की विश्वस्तरीय डिस्प्यूट्स होती है, किसी तरह की लड़ाइयाँ होती हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। अब ये है क्या, सिंगापुर कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज द यू एन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग दी रिकॉग्निशन ऑफ मीडिएटेड सेटलमेंट। तो ये यूएन का कन्वेंशन है जो कि एग्रीमेंट बेसिस पे हुआ था कि अगर किसी तरीके की दो अलग अलग देशों में अगर लड़ाइयाँ होती हैं और अगर वो चाहते हैं कि ये उनकी बीच की मध्यस्थता करें तो उनमें ये लोग इन्वॉल्व होंगे। वन वॉज इट अडॉप्टेड, अभी अडॉप्ट किया कब गया था, द कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन दिसंबर 2018 एंड ओपन फॉर अ सिग्नेचर इन अगस्त 2019। तो जो कन्वेंशन है इसको दिसंबर 2018 में अपनाया गया था और शुरू हुआ था अगस्त 2019 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है सिग्नेटरीज। एज ऑफ सितंबर 1 टू 2020 द कन्वेंशन हैज 53 सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड यूएसए। इक्वाडोर इज द मोस्ट रिसेंट कंट्री टू रेटिफाई द कन्वेंशन। तो अगर 1 सितंबर 2020 तक की बात करें तो उनमें लगभग 53 सिग्नेटरीज यानी कि मेंबर है, जिनमें इंडिया, यूएस और चाइना भी हैं, और जो सबसे नया पार्टनर इसमें है वो जुड़ा है वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। द कन्वेंशन हेल्प्स बिजनेसेस सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ अ मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट अक्रॉस बॉर्डर टू अप्लाई डायरेक्टली टू द कोर्ट ऑफ कंट्रीज दैट हैव साइंड एंड रेटिफाइड द ट्रीटी इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इन्फोर्स द सेटलमेंट एग्रीमेंट एज अ कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द इजी कंट्रीज डोमेस्टिक प्रोसेस। तो जो कन्वेंशन है ये मदद करेगी उन मतलब कह सकते हो दो अलग अलग देशों के बिजनेसेस को जो कि इन्फोर्समेंट जो चाहते हैं कि कोई बीच में उनकी जो सेटलमेंट्स हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट्स हैं, उनकी मध्यस्थता करें यानी मीडिएटेड करें अक्रॉस द बॉर्डर, बॉर्डर के बाहर, और डायरेक्ट जो कोर्ट ऑफ कंट्रीज हैं वो उन्होंने उसको साइन भी किया, रेटिफाई भी किया इस ट्रीटी को, मतलब उनको एक तरीके से अधिकार दिया है कि वो इस तरीके की मध्यस्थता यानी कि बीच बचाव कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है हमारा नाथुला। द टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज अफेक्टेड ट्रेड अलोंग द नाथुला। अभी जैसे आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी इस समय नोकझोंक चल रही है, जिसकी वजह से जो व्यापार है उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अबाउट द नाथुला, इट इज़ अ माउंटेन पास इन द हिमालयस कनेक्टिंग सिक्किम विद चुम्बी वैली ऑफ द तिब्बतन प्लेटू इन चाइना। तो ये एक माउंटेन पास है, कह सकते हैं पहाड़ों के बीच में पास बनाया गया है ताकि जो हिमालयस है उनको सिक्किम से कनेक्ट किया जा सके चुम्बी वैली की मदद से, मतलब बेसिकली तिब्बतन प्लेट्यू के आने जाने का रास्ता है ये। इट इज़ वन ऑफ द थ्री ओपन ट्रेडिंग बॉर्डर पोस्ट बिटवीन द चाइना एंड इंडिया, द अदर बीइंग शिपकिला इन हिमाचल प्रदेश एंड लिपुले एट द ट्राई सेक्शन पॉइंट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया, नेपाल एंड चाइना। तो नाथुला के अलावा दो अलग अलग और पासेज है जहाँ से व्यापार होता है भारत और चाइना के बीच में, इसमें एक शिपकिला है हिमाचल प्रदेश की और दूसरा लिपुले है जो कि ट्राई जंक्शन पे यानी तीन देशों के बीच में है, जिसमें इंडिया मतलब इंडिया की तरफ से उत्तराखंड, नेपाल और चाइना पे आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। द पास वॉज सील्ड बाई इंडिया आफ्टर द 1962 सीनो इंडिया वॉर, हाउएवर इट वॉज रीओपन्ड इन 2006 टू शॉर्टन द ट्रैवल डिस्टेंस टू इम्पॉर्टेंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स इन द रीजन एंड गिव अ बूस्ट टू द इंडिया चाइना ट्रेड।
तो जो पास था ये जब 1962 की लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना के बीच में, तभी से सील कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी, लेकिन 2006 में इसको ओपन किया गया ताकि जो डिस्टेंस है यानी जो एरिया है, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे वहाँ के जो मतलब पुजारी हैं बुद्ध धर्म के, तो उनको आने जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा घूम के आना पड़ता था, तो उस ट्रैवल जो डिस्टेंस है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको खोला गया था। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द 5 ऑफिशियल एग्रीड बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट बिटवीन द इंडिया एंड चाइना फॉर रेगुलर कंसल्टेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द 2 आर्मीज टू इम्प्रूव रिलेशन। तो ये उन 5 अलग अलग जो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट है जहाँ दो अलग अलग मतलब कह सकते हैं उन बॉर्डर्स पर जहाँ मीटिंग होती हैं, उन 5ों में से एक नाथुला भी है, जिसमें समय समय पर दोनों आर्मीज़ों का इंटरेक्शन होता है और जो भी उनके संबंध है उसको सुधारने की कोशिश की जाती है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारे लीलो लाइन इन लाइन आउट सबस्टेशन। The Union Minister of State for Power and New and Renewable Energy laid foundation stone for construction of Lilo of Kishanganj Darbhanga 400 kilowatt transmission line at Saharsa in Bihar through a virtual event. तो जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है जो कि किशनगंज दरभंगा बॉर्डर पर होगा। ये 400 किलोवाट का ट्रांसमिशन है एट सहरसा जो कि बिहार में एक जगह है, और इसको इस फाउंडेशन को रखा गया वर्चुअल इवेंट की मदद से। अब नेक्स्ट है अबाउट लीलो सबस्टेशन है क्या ये। द सबस्टेशन इज अ पार्ट ऑफ द एन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम विच ट्रांसमिट द हाई वोल्टेज फ्रॉम द जनरेटिंग सबस्टेशन टू द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम है जो कि ट्रांसमिट करेगा हाई वोल्टेज को एक जनरेटिंग सबस्टेशन से, यानी जहां बिजली का उत्पादन होता है, उनको लोकल जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है यानी छोटे छोटे जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क हैं उन पे इनको भेजा जाएगा। इन लीलो सबस्टेशन अ लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इज ब्रॉट इन एंड आउट ब्रॉट आउट फ्रॉम न्यूली क्रिएटेड सबस्टेशन। तो जो लीलो सबस्टेशन है तो इसमें लंबे जो कह सकते हैं जो दूर तक जो बिजली पहुंचाई जाती है, तो उस तरीके की ब्रॉट इन ब्रॉट आउट फैसिलिटी बनाई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। दिस स्कीम इज बिट एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ एन एक्स्ट्रा लेआउट, हाउएवर इट इज़ मोर सिक्योर। ये जो स्कीम है काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें एक अलग सबस्टेशन बनाने की बात कही जा रही है, लेकिन ये ज़्यादा सिक्योर माना जा रहा है। सहरसा इज लोकेटेड इन एन एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार एंड इज़ अ फ्लड प्रोन एरिया ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम नेपाल। सहरसा बिहार का जो एकदम उत्तरी इलाका है वहाँ पर स्थित है और ये काफ़ी फ्लड प्रोन है, यानी काफ़ी यहाँ बाढ़ वाड़ आते रहते हैं, लेकिन और ये बाढ़ आते क्यों है क्योंकि नेपाल से ज़्यादा पानी अगर छोड़ दिया जाता है डैम की मदद से तो उधर वाले एरिया बाढ़ में डूब जाता है। तो इस टॉपिक में इतना था, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा जिज्ञासा प्रोग्राम। A webinar was conducted on the scientific and technological intervention by CSIR CIMERI combating COVID-19 under the Jigyasa program. तो एक वेबिनार हुआ यानी कि वर्चुअल की मदद से, वर्चुअल रियलिटी की मदद से एक सेमिनार की गई जिसको वेबिनार बोलते हैं। ये एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन था बाय CSIR और CIMERI ताकि जो कोरोना की महामारी चल रही है इसको रोका जा सके। About the Jigyasa program, what is it? It is a student scientist connect program launched in 2007. ये एक विद्यार्थी और जो वैज्ञानिक है इनके इनको जोड़ने का एक प्रोग्राम है जिसको 2007 में लॉन्च किया गया था। एम यानी लक्ष्य क्या है इसका, टू कनेक्ट स्कूल स्टूडेंट एंड साइंटिस्ट एज वेल एज टू एक्सटेंड द स्टूडेंट क्लासरूम लर्निंग टू अ वेरी वेल प्लान्ड रिसर्च लेबोरेटरी बेस्ड लर्निंग। तो ये एक स्कूल की स्टूडेंट है उनको वैज्ञानिकों से कनेक्ट करेगा और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं उनको उनके क्लासरूम को इस तरह से लर्निंग क्लास बनाएगा जिसमें वेल रिसर्च लेबोरेटरीज भी बेस्ड हो।
इम्प्लीमेंटेशन क्या है? इट इज इम्प्लीमेंटेड बाई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दैट इज CSIR इन कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो CSIR द्वारा केंद्रीय विद्यालय की मदद से इसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। नेक्स्ट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CIMERI। इट वॉज इस्टैब्लिश इन 1958 एज अ पब्लिक इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो इसको 1958 में स्थापना किया गया था एक पब्लिक रिसर्च इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे दुर्गापुर बंगाल में। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट लेबोरेटरी ऑफ अ CSIR एंड इज द ओनली नेशनल लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इंडिया। तो ये एक तरीके की लेबोरेटरी है CSIR के जो अकेली अपने आप में नेशनल रिसर्च लेवल इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ध्यान दीजिएगा इसमें एक अलग वर्ड मेंशन किया गया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए ये बेस्ड रिसर्च सेंटर बनाया गया था। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।